एक और मिनट जरा आप बताइए अपने बारे में, बताइए किरदार के बारे में। सर आप सबको मेरा प्रणाम, जितने भी मीडिया कर्मी आए यहाँ पे, जितने भी, सबसे पहले बता दूँ मेरे जितने भी गेस्ट हैं सबको प्रणाम करता हूँ मीडिया के माध्यम से। एक और मेंटल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मुझे भी एक्चुअली बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का स्टोरी चाहिए था, वो है मेरे प्रोड्यूसर गुड्डू जी बोले कि नहीं विजय, जितने भी है बड़े स्टार जिनको बोलना नहीं चाहिए मुझे काफ़ी सारे, कि उतना अच्छा मेकिंग में करके क्यों नहीं मैं तुम्हें लेके फिल्म बना। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एक्चुअली बचपन से ही मेंटल रहता है, ये पैदा ही होता है मेंटल होते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ठीक हो जाता है और फिर भी वो मेंटल ही रहता है पूरी फिल्म में। इवन लास्ट में क्लाइमेक्स में पता चलता है कि ये ठीक हो चुका है, और किस तरह से अपने फैमिली का जो बर्बादी है, अपने मॉम डैड का जो फैमिली जो बर्बाद करता है, एक ठाकुर जिस टाइप का एक विलन है उसको बहुत ही सातिर दिमाग से मारता है पागल होते ही। एक्चुअली इस फिल्म में मैं हूँ कि नहीं हूँ ये तो मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत अच्छी जाए, सुपर डुपर हिट जाए। और विजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि बहुत ओके। सर कुछ बताना चाहेंगे शूट पे? हम लोग तो जा रहे हैं जून में, और ये मूवी बहुत हटके है, इसमें पूरा पागलपन का दिया हुआ है। मतलब हीरो बचपन से ही पागल है, और टाइटल से ही पता चलता होगा टाइटल यूनिक पागल होगा वो पूरे फिल्म में। मतलब ऐसा एक सिचुएशन आता है, हीरो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पागल ही है, मजा आएगा इंटरवल तक हीरो बचपन में मतलब पागल है, ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है कि जैसे फिर वो ठीक हो जाता है। और एक ये पूरी एक्शन मूवी है, मेंटल और रोमांटिक भी है, और ये पूरे बिहार में शूट होगी, पटना में हम लोग शूट करेंगे। विजय जी ये बताइए आप गायक भी हैं, आपका पहला फिल्म इंट्रोड्यूसिंग डेब्यू फिल्म है ये आपका? जी हाँ ये मेरी डेब्यू फिल्म है, और बहुत ही खुश हूँ मैं। एक्चुअली मुझे 3-4 फिल्में और मिली थी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि स्टोरी समझ में आया, क्योंकि एज अ हीरो के लिए एक पहली एंट्री और पहली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए था मुझे, और बहुत ही रुझान आया मुझे कि एक अच्छा स्टोरी करूँ मैं। तो इस फिल्म की गायकी का जादू देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसमें मैं मेरा जो जॉनर है रैप, जो मुझे इतना ऑडियंस प्यार करती है मुझे, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटके एक बढ़िया सा रैप प्रमोशनल सॉन्ग में यूज़ होगा, एक बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग होगा। वो अभी गाने हम लोग बहुत जल्दी डब करने वाले हैं। कलाकार के तौर पर क्या कोशिश करते हैं आगे चल के, किस तरह से कौन से किरदार को निभाने की कोशिश करेंगे? काफ़ी ज़्यादा अभिनेत्री हैं, फेमस अभिनेत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे जिनके साथ काम करेंगे? जी जी बिल्कुल, एक्चुअली जो भी जैसा भी मैं कहना हूँ कि मेरे ऑपोजिट जितने भी अच्छे लगे, कि एक अच्छा पेयर हो, और पब्लिक को ऐसा भी नहीं लगे कि यार किस टाइप का एक पेयर लेके आया है। एक बहुत ही मेरा ज़्यादातर बताऊँ कि रोमांटिक फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है, और रोमांटिक फिल्में रोमांटिक गाने हो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन बाजियों में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इस टाइप की फिल्में पसंद है। तो रैप की बात करते हैं, कौन सा रैप है आपका? विजय जी पहले उसके पहले थोड़ा सा पोस्टर के बारे में बताएं, बड़ा रंगीला ही और बड़ा बांध के सनी देओल के घायल वाले रूप में नजर आ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली ये कैरेक्टर ही मेंटल है, उसको जो जब दिल में आता है वही करता है, उसको इतना भी पता नहीं है कि कब खाना, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, उसको बॉडी में एहसास ही नहीं, जो मन में आ जो दिखा वो करता है, और इसी अंदाज में कभी बम्बू कभी डंडा, मतलब उसकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो करता रहता है। पोस्टर का जजिस यही है। गाना सुनना चाहेंगे सर? गाना एक गाना सुनना चाहेंगे। मैं गुरु शिवना विश्वनाथ राजपुरी जी ने गाना बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग लिखा है इस फिल्म में। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ सोच रहे थे कि कुछ अच्छा करें, तो सोचते सोचते वाजिब है कि कुछ अच्छा क्रिएशन आ ही जाता है, तो कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, उसका टाइटल
ऐसे स्टार्टिंग में पागलपन पागलपन थी ऐसा दिमाग में आ रहा था, लेकिन सोचे कि यार थोड़ी सी अलग कर दे कुछ, क्योंकि हम लोग न्यू जनरेशन है और न्यू जनरेशन में हम लोग चाहेंगे कुछ अच्छा करें। आपको पता नहीं, मुझे नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसका नाम पहले था मेंटल, बाद में फिल्म को बदल कर जय हो नाम किया गया। तो जो नाम जो टाइटल के साथ सलमान खान फिल्म नहीं बनाना चाहते उस नाम को लेकर आप भोजपुरी में क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए हम बनाना चाहते हैं, अब आगे देखिए क्या होता है हमारे साथ। कब से शुरू हो रही है फिल्म? ये हम लोग नेक्स्ट मंथ शूट स्टार्ट करेंगे। कब तक बनके पूरी हो जाएगी? कहाँ कहाँ शूट करेंगे? कितने शेड्यूल में शूट करेंगे? मैं तो सोच के रखा हूँ एक ही शेड्यूल में शूट करूँ। कहाँ शूट? मैं पटना में शूट करना चाहता हूँ। कोई खास वजह पटना में शूट करने की? नहीं, कुछ खास वजह नहीं है, एक मैंने अपना मेंटेलिटी करके रखा है, जहाँ समय हूँ जो काम करूँ, अच्छी अपनी लाइफ की पहली फिल्म कर रहा हूँ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं शुरुआत वहीं से करना चाहता हूँ। हीरोइन से पूछ लेता, मैडम आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ। सर आपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए, आपका कुछ बताइए। मैं डॉक्टर गोरखपुर से हूँ, तो मेरा यही आप सबसे है कि मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत दूर से, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में की हुई हैं, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की थी मैंने, अभी सौगन भी की है दिनेश जी के साथ, तो ये मेरी अगली जो फिल्म है मैं इस फिल्म को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ, अच्छी बने, नाम भी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी फिल्म बने। आप तक ये रोल कैसे पहुँचा? मेरे तक ये रोल बहुत आसानी से पहुँची एक्चुअली, क्योंकि एक पार्टी थी जो फैमिली टुगेदर, मतलब क्या फैमिली का पार्टी था, गेट टुगेदर पार्टी था, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गए और सेल्फी में हमारी फोटो अच्छी आई तो मुझे फिल्म ऑफर हो गई। क्या बच्चे लग रहे हो साथ में? एक्चुअली मैंने इनको देखा विजय जी, इनको इत्तेफाक है, एक्चुअली इत्तेफाक मेरे को लगा कि अगर इन विजय के अपोजिट कोई अच्छी लगे तो कनक जी को मैंने, मतलब ये रब ने जोड़ी नहीं बनाई या सेल्फी ने जोड़ी बनाई? हां एक्चुअली कह सकते हैं, एक्चुअली कह सकते हैं सेल्फी ने जोड़ी बनाई, रब ने जोड़ी नहीं बनाई है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है उस दिन की, गेट टुगेदर वाली जो पार्टी में इन्होंने बताया अभी कनक पांडे जी ने, तो वहाँ पर ऐसी मस्ती मजाक में फोटो खींच रहे थे हम लोग, तो बहुत ही फैमिली गेट टुगेदर बैठे थे, तो एक सोलो सेल्फी हो गया। उसके बाद मैंने आके अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताया कि सर ये है ऐसे ऐसे कनक पांडे, फिर यूट्यूब पे गाना वाना देखा गया, फिर कहा कि नहीं डिसाइड करते हैं कि इनको लिया जाए, कास्ट किया जाए, बाय नेचर बहुत अच्छी है, अच्छा लगा हमें, तो मैंने कहा क्यों नहीं काम किया जाए साथ में। भोजपुरी में बनने दीजिए ना, बॉलीवुड में तो जाएंगे, समय मिलेगा किस्मत होगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ तो बन जाए। बोला ना मैंने कि मैं करता जाऊँ। हम सवाल पूछ के एक्टर की आंखों में बड़ा सपना डालते हैं ताकि वो कुछ और पड़ा। जी सर। अच्छा गलती से पूरा नहीं हुआ तो और करते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप। अच्छा ये मोटिवेशन था। अच्छा और आप लोग के माध्यम से अगर हो तो मैं बॉलीवुड भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। विलन के साथ पैर मिलने पे ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ती है। वेरी गुड, सही बात। ये आप मेंटल के बारे में मैं बोलूंगा भरोसा रखे कुछ नहीं करने वाला। मैंने वही बोला ना विलन के साथ रहने की मजबूरी है, नहीं जेल जाने का शौक नहीं है। पहली बात तो एक और मेंटल की पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं कि वो एक अच्छी मूवी स्टार्ट कर रहे हैं और विजय राजजी उसमें इंट्रोड्यूसिंग हो रहे हैं। एक अच्छा लुक है, एक डिफरेंट लुक है इंडस्ट्री के लिए, और सबसे पहली बात नए कलाकारों को जितना मौका मिलता है उतना हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है और सबके लिए अच्छा होता है, पब्लिक को भी चेंज मिलता रहता है। जी बिल्कुल। हम तो अभी आशीर्वाद देने आए हैं विजय बाबू को, लेकिन हम विजय के बारे में बता दें आप लोगों को, मैं विजय को उस समय से जानता हूं जब काफ़ी बच्चा था, मैं मलेशिया में गया था जब मेन विलन शूट करने, वहां पे विजय डांस टीचर के रूप में था, जब वहां से यहां आया तो पहली मुलाकात मुझसे मुंबई हुई, मैं उसे हमेशा इसको बोलता था विजय अब हीरो बन जा। जी बिल्कुल, हमेशा मैं बोलता था कि तू हीरो बन जा, तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से,
माँ बाप के इनके आशीर्वाद से आज उस जगह पे खड़े हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैं कहता था आज मैं वो सपना साकार होते देख। बहुत अच्छा इंक्रीज किया है इन्होंने, बहुत ही हमसे कई एक बार रोल के लिए कई छोटे मोटे मैं रोल करवा भी दिया हूँ, लेकिन आज वो जगह पे खड़ा है, मैं वही लोगों से बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बच्चे में जो प्रतिभा थी आज वो दिख रही है, आज बोलने की इसकी शैली बदल गई, सबसे बड़ी चीज मैं ये बता रहा हूँ, आज इसके अंदर वो ताकत है, कॉन्फिडेंट है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज है, तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, मैं भगवान से ही करूँगा कि बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, फिल्म सुपर डुपर हिट हो और इंडस्ट्री में एक नाम स्थापित करे, यही मैं बोलूँगा। सोचते हैं कि पर्दे पर ही आपको मारे पीटे? वो तो भाई इनकी मर्जी, हम इनके साथ काम करने के लिए इच्छुक है, इसमें क्या दो मत है, हम तो एक्टर हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज में एक चीज कहना चाहूंगी विजय जी के लिए भी और हमारे विलन के लिए भी कि जब हीरो ज्यादा पिटता है और ज्यादा पीटता है तो पब्लिक को बहुत मजा आता है। नहीं क्या, हीरो को गाली और विलेन को गाली, यही फिल्म की खासियत होती है, तभी हम समझते हैं कि फिल्म हिट है। बहुत ही टशन है इसमें हीरो और विलेन का, बहुत ही कमाल। कहते हैं ना अमरीश पुरी जितने स्ट्रांग थे उनके अपोजिट कोई भी हीरो रहता था एक फिल्म के बाद सुपरस्टार बन जाता था, क्यों वो विलेन इतने स्ट्रांग थे कि हीरो को उतना खेलने में मौका मिलता है। और दूसरी चीज हम इसलिए भी खुश हैं कि हमारे बिहार से हैं, अभी थोड़ा तो लगाव रहता ही है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रांत से हैं और बिहार का नाम रोशन करें, कहीं ना कहीं तो मिट्टी से जुड़ाव आदमी को होता ही है, तो जब इंटरव्यू इनका आएगा तो उसमें आएगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज विजय जी इस मुकाम पे खड़े हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ, चलिए थैंक यू। ये मेंटल एक और मेंटल बड़ा प्यारा है, सेंटर में देखिए सर, इसके जो डायरेक्टर हैं मिथिलेश ठाकुर जी हमारे बहुत करीबी और पुराने मित्र रह चुके हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, उनके साथ मैंने फिल्म की थी सपेरा, एसोसिएट थे वो, ये बनमा बिहार वाले में एसोसिएट थे, काफ़ी फिल्में उनके साथ हैं और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान है, और मुझे उम्मीद है कि एक और मेंटल अपने पागलपन से ही शूट करेंगे और मैं उनके साथ कुछ आपने देखा होगा जो कोरियोग्राफर मेरा जो उन्होंने अपना परंपरा को अपने साथ रखा है, मुझे अपना डांस मास्टर रखा है, जो 6-7 साल का सफर है हमारा होता है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, हम तन मन से उनके साथ हैं। मैडम क्या शुभकामनाएं देना चाहूँगी? विजय जी मैं पहले से जानती हूँ, जानती मतलब इंडस्ट्री में आने के बाद से, और चूंकि मुझे इंडस्ट्री की माँ कहा जाता है तो माँ तो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छी बातें सोचेगी। जब मैंने पोस्टर देखा तो मुझे मैंने कहा अरे विदेश यहाँ तो तुम भी राजेश खन्ना की तरह लग रहे हो, आप लोग भी देखो उसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल राजेश खन्ना जैसा लग रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि वो भी बहुत आगे बढ़े और ऐसे ही बड़े बड़े हीरो के बराबर चले। इवन अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्मों में विजय नाम से अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये तो स्वयं ही विजय है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने विजय पताका जरूर लहराएगा और नाम कमाएगा, और हमें बहुत अभिमान होगा कि मेरा एक और बेटा इतने बड़े इतना बड़ा हीरो है। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं विजय राज को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, विजय दिनों दिन खूब आगे बढ़े, नाम करे दुनिया में। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम विश्वनाथ राजपुरी है, मैं सॉन्ग राइटर हूँ, इस फिल्म का सॉन्ग राइटर मैं ही हूँ, और विजय राज जब सबसे पहले मुझसे मिला तो विजय राज के अंदर मैंने कुछ प्रतिभा देखी और गाने के, वो लड़का सिंगर नहीं था, मैंने उसको मोड़ा सिंगिंग की तरफ और बेहतर गाया और बेहतर उसका रिस्पॉन्स है, एक कैसेट अभी रिलीज है उसका बबुनिया जिला में, तो बाड़ू एगो पीस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका, काफ़ी मार्केट में अच्छा जा रहा है वो कैसेट, तो आज मैं इस एक और मेंटल फिल्म में एज ए लीड विजय राज को लिया गया है, यह देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर की जो तमन्ना थी वो पूरी होने जा रही है, हो रही है, तो आज मैं इस
मुहूर्त के इस फिल्म के एक और मेंटल फिल्म के मुहूर्त के शुभ अवसर पर आप सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार करते हुए सारे लोगों को नमस्कार करते हैं और विजय राज को बधाई देते हैं, धन्यवाद कि वो लड़का खूब आगे बढ़े। हिंदी बॉलीवुड का ये टाइटल लगता है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये टाइटल है और इसी के हिसाब से स्टोरी भी होगी इसकी और जिसमें कुछ अलग हटके होगा, जबकि आज के हमारी भोजपुरी ऑडियंस कुछ अलग देखना चाहती है। किसी पीटीजे देख देख करके देखी सारी फिल्में जो है क्या हाथ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मिथिलेश ठाकुर जो इसके डायरेक्टर हैं इसको बखूबी कहानी के हिसाब से फिल्माएंगे और हमारा बच्चा ये विजय राज यादव जो हीरो है उसको भगवान शक्ति दे, सामर्थ्य दे और हमारे डायरेक्टर को शक्ति और सामर्थ्य दे जिससे ये फिल्म अच्छी बने, अच्छा रिजल्ट आए, कामयाबी के शिखर तक इन सबको पहुंचाए, आप लोगों को पढ़ा।